Hello students, today we are going to study about acid from the chapter acid bases and salts. वैसे तो आप लोग एसिड्स के बारे में जानते हैं, एसिड्स क्या है, लेकिन डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जिसमें एसिड होता है, लेकिन ये हमें पता नहीं होता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में अगर आप कभी जाते हैं तो आप लोगों को विनेगर ज़रूर दिखता है, या लेमन हो गया, या फ्रूट्स होता है जैसे कि ऑरेंजेस है, या इमली है, टैमरिंड, इन सब चीज़ों में एसिड्स होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है एसिड क्या है और किस में है. एसिड्स के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि बहुत डेंजरस होता है, एसिड पड़ जाने से तकलीफ़ होती है, जल जाता है शरीर. ऐसा होता है, लेकिन एसिड जितना डेंजरस होता है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट भी होता है. सो आज हम इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे. एक जनरल इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू अबाउट एसिड एंड बेसिस. जैसे कि एसिड्स आर सब्सटेंस दैट टेस्ट सार. जब कोई सब्सटेंस को हम लोग अपना मुंह में रखते हैं तो उसका टेस्ट जो है खट्टा आता है, तो उसमें एसिड का कंटेंट होता है. उसी तरह बेस जो होता है, बेस आर द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड आर सोपी इन टच. अगर कोई सब्सटेंस हम लोग छूते हैं, उसको हम छू के अगर महसूस करते हैं, तो वो थोड़ा सा सोपी होता है और उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है. दैट सब्सटेंस कंटेन बेसिस इन इट. उसी तरह जब कोई न्यूट्रल सब्सटेंस आता है हमारे सामने, तो द सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिड नॉर बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल. तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस में ना एसिड वाला टेस्ट रहेगा, ना बेस वाला टेस्ट रहेगा. सो ना तो वो खट्टा होगा, ना ही वो टेस्ट करने में बिटर होगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन एंड ऑरेंजेस जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, उसमें होता है एसिड, जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड. और दूध तो हर एक बच्चा घर में पीता है, दूध से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि कर्ड हो गया. सो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में होता है लैक्टिक एसिड. विनेगर में होता है एसिटिक एसिड. ग्रेप्स और टैमरिंड जो है उसमें होता है टार्टारिक एसिड. गैस्ट्रिक जूस जो हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट रहता है, उससे हम कौन सा एसिड हमारा शरीर बनाता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो हमारे बॉडी के अंदर में भी एसिड बनता है. कभी कोई चींटी या कोई इंसेक्ट आपको काट लेता है तो थोड़ा सा जलन होता है शरीर में और इचिंग होता है. उस समय वो चींटी या एंट जब आपको स्टिंग करते हैं, तो उसमें एंट अपने बॉडी में से एक एसिड हमारी बॉडी में छोड़ता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड. लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है. कम होने की वजह से वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता हमारे बॉडी के लिए, तो हमें कुछ होता नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ी सी इचिंग होती है. फिर जैसे कि हो गया आंवला. आंवला और विटामिन सी कंटेंट फ्रूट्स जो होता है उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड. ये सारे एसिड जो है हम डेली लाइफ में हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें पता भी नहीं चलता. उसी तरह कुछ बेसिस है जो हम घर में यूज़ करते हैं, या मम्मी यूज़ करती होगी आप लोगों की, तो उसमें बहुत सारा ऐसे सब्सटेंस होता है जो बेस कहलाता है. जैसे ड्रेन क्लीनर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, टॉयलेट में यूज़ करने वाला क्लीनर हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, जो कोलिन यूज़ करते हैं वो, इन सब में जो केमिकल्स होता है दैट इज़ बेसिक इन नेचर. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम बिहेवियर ऑफ एसिड्स. क्योंकि आज हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए एसिड्स का कुछ बिहेवियर हम जानते हैं. एसिड्स आर सार इन टेस्ट. द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एस विच मीन्स सार. एसिड जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, इट इज़ सार इन टेस्ट. वो एसिड वर्ड हैज़ कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसर. एक लैटिन का एक वर्ड है जिसने अब हम एक वर्ड बना दिए है एसिड, जिसका मतलब है सार. इट इज़ सार इन टेस्ट. तो दोज केमिकल विच आर सार इन टेस्ट आर एसिड. सो दे आर
एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव मीन डैमेजिंग. एसिड जो है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है कुछ चीज़ के ऊपर तो वो उसको डैमेज करता है, यानी कि कोरोसिव. नेक्स्ट इज द केमिकल, क्योंकि एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है, अगर हम उसको लैब में टेस्ट करते हैं तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. लिटमस एक एसिड टेस्ट करने का पेपर है, जो नेक्स्ट टर्म मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर जब हम एसिड के सॉल्यूशन में टेस्ट करने के लिए डालते हैं तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. सो व्हेन यू पुट सम वाटर इन एसिड, या फिर एसिड्स कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड्स को अगर हम पानी में डालते हैं तो इट गेट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि वाटर के साथ वो मिक्स हो जाता है. सो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. नेक्स्ट इज एसिड्स प्रोड्यूसेस हीट. When a strong acid is mixed with water, it produces heat. जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं, ज़्यादातर लैब में ये यूज़ होता है. लैब में जब हमको हमें जब एक एसिड को डाइल्यूट करना पड़ता है तो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिक्स करना पड़ता है ताकि बच्चे लैब में उसे यूज़ कर सके, जिससे कि वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो. तो उस समय जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो बीकर विल टर्न हॉट, यानी कि एसिड प्रोड्यूसेस हीट. एसिड में से हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि लैब में कोई भी केमिकल ऐसे ही नहीं छूना है, या फिर लैब में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो यू हैव टू यूज़ ग्लव्स एंड एप्रन वाइल प्रैक्टिसिंग केमिकल इक्वेशंस. नेक्स्ट इज एसिड हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7. pH value less than 7. pH is nothing but a scale with which we can test the substance is acidic or basic. और कितना acidic है कितना basic है ये pH paper से हमें पता चलता है. pH has a reading of 1 to 14. 1 से लेके 6 तक का जितना भी substance है that will contain acid. And 8 to 14 जितना भी chemicals है that will contain base. यानी कि 1 से लेके 6 तक का number अगर वो show कर रहा है तो वो क्या show करेगा, acidity. 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर वो number show कर रहा है यानी कि वो बहुत dilute acid है, उसमें water content ज़्यादा है. 1 या 2 अगर वो show करता है तो उसमें acid का quantity बहुत ज़्यादा है and it can be dangerous while using it. 7 जो होता है वो बीच का न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए होता है, यानी कि जिसमें एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा, जो हम डेली लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं वो सॉल्यूशन को, दैट इज़ वाटर. वाटर शोज ए pH value of 7 because it is neither acid nor base. अगर वो acidic होता तो हम पी नहीं पाते, अगर वो basic होता तो भी हम पी नहीं पाते, इसीलिए उसका pH 7 इसलिए show करता है because water is a neutral substance. It will show a pH of 7 on the scale. Many food items such as lemon juice, tomato and vinegar taste sour. ये तो आप लोगों को पता है. These food items are sour because they contain acid. उनका taste sour क्यों है, क्योंकि उनपे acid present है. Now let us learn what is concentrated and dilute acid. An acid is generally used as a solution in the laboratory. Acid mostly lab में use होता है chemical equations करने के लिए. If the solution contain a large amount of acid, it is called concentrated. And when the solution contains a small amount of acid, it is said to be diluted. Simple. Solution में acid का quantity ज़्यादा हुआ और water का quantity कम होगा तो acid will be called as concentrated acid. और अगर solution में acid का quantity कम होगा, water का quantity ज़्यादा होगा, it will be called as a diluted acid. जो कि lab में use करने के लिए काम आता है,
डायल्यूटेड एसिड ही प्रैक्टिकल जब भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं, वी यूज़ डायल्यूटेड एसिड ताकि आप लोगों को कोई हार्म ना पहुँचे. लेट अस सी सम बिहेवियर ऑफ एसिडिक सब्सटेंस. अगर एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसका क्या बिहेवियर होगा? सार टेस्ट तो है ही एसिड्स में. एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी आप लोगों को पता है. दे करोड्स मोस्ट मेटल्स दैट इज दे केमिकली रिएक्ट ऑन देम फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट. जब हम एसिड को कोई मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? दे विल प्रोड्यूस ए न्यू कंपाउंड दैट इज कॉल्ड सॉल्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल now here we have used zinc which is dissolved in sulfuric acid. When zinc reacts with sulfuric acid it forms a salt, that is zinc sulfate, and hydrogen gas is released. Simple equation hai. ये इक्वेशन आप लोगों को ये बताने के लिए है कि जब हम एसिड्स के साथ कोई मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं तो इट विल प्रोड्यूस एक न्यू कंपाउंड. द न्यू कंपाउंड इज अ सॉल्ट. तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इज ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. यानी कि जब एक इक्वेशन होता है उसमें से हाइड्रोजन गैस विल गेट सेपरेटेड एंड दिस कंपाउंड विल कंबाइन. ये दो कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा. ये एरो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये पता चले कि वो एक गैस है, क्योंकि गैस मूव्स हायर इन द एनवायरनमेंट. सो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल इट प्रोड्यूसेस ए सॉल्ट. एसिड सब्सटेंस रिएक्ट विद ए कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बाइकार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद एफोवेसेंस. जब एक एसिड सब्सटेंस को हम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. यानी कि उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और उसमें एक साउंड आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल now we have used a hydrogen carbonate substance over here. This is a carbonate substance that is sodium carbonate aur hydrochloric acid ke sath reaction hua hai. Jab sodium carbonate hydrochloric acid ke sath react karta hai to kya banata hai? Sodium chloride. And what is released? A gas is released and that gas is called carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा तो उसमें से एक एफोवेसेंस निकलेगा, एक साउंड निकलेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है. नाउ लेट अस सी सम यूजेस ऑफ एसिड्स. इतनी देर आप लोगों को एसिड्स के बारे में इतना कुछ जानकारी मिला. एसिड्स क्या है, किस में पाया जाता है, डेली लाइफ में कितना सारे एसिड्स आप रोज़ देखते हैं, रोज़ उन एसिड्स को आप खाते हैं अपने खाने में. तो ये सब चीज़ से आपको क्या पता चला कि एसिड्स जो है इट इज़ नॉट ओनली डेंजरस बट इट इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल टू अस. नाउ लेट अस सी सम यूजेस ऑफ एसिड्स. Let us start with hydrochloric acid, that is HCl. Mostly, जब भी आप क्लास में पढ़ाई करते होंगे साइंस क्लास में, आप लोगों को HCl बार बार सुनने को मिलता होगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो वॉट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? फर्स्ट इट इज़ यूज इन द लैब फॉर एक्सपेरिमेंट.
Now and next is used hydrochloric acid is used for removing rust from iron and steel. Iron and steel industry में जब work होता है तो iron get rusted. iron में बहुत जल्दी zinc लग जाता है. तो उस rust को निकालने के लिए hydrochloric acid is used. Next is it is used in the production of various compound. और बहुत सारा कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज कई तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, इट हेल्प्स आवर फूड टू गेट डाइजेस्टेड. हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो दिस वॉज द यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट इज द सल्फ्यूरिक एसिड. लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो ए लेबोरेटरी एसिड. लैब में बहुत सारा यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड. This is the acid which is called the king of the chemicals. इसको king of the chemicals क्यों बोलते हैं? Because sulfuric acid में से कई new acids बनाया जाता है तो वो और बहुत सारा acid बनाने में काम आता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, king of the chemicals. Sulfuric acid is used in cars and inverter batteries. जो घर में इन्वर्टर लगा रहता है उसके बैटरीज जो होता है उस बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि इन्वर्टर से दूर रहे. कार में जो बैटरीज होता है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है. नाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र. जब सॉइल में न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है तो फार्मर्स क्या करते हैं, दे यूज़ फर्टिलाइज़र टू मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिशन. सो वो फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं उस फर्टिलाइज़र में सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेंट होता है. और नेक्स्ट इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड डिटर्जेंट. जो घर में हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो डाइज यूज़ करते हैं वो सारा डाइज और डिटर्जेंट बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट कम्स द एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज़ ए वेरी गुड फूड प्रिजर्वेटिव. घर में तो जो यूज़ करते हैं हम विनीगर, इट कंटेन एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड जो है बहुत हेल्पफुल होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए. बहुत सारा चीज़ में जब हम विनीगर डालते हैं तो इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. एसिटिक एसिड इज़ नॉट ओनली ए फूड प्रिजर्वेटिव बट इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ products such as ink for textile printing, dyes, photographic chemicals etc. इस सारी चीज़ों में acetic acid का बहुत important role है. They help in making all these things. Next is the nitric acid. Now nitric acid is used in the production of fertilizer and explosive. Like sulfuric acid, nitric acid is also a good fertilizer. यानी कि soil को जो nutrition चाहिए वो सिर्फ sulfur ही नहीं है, साथ में soil also needs nitrogen. So nitric acid help in the production of fertilizer which contain nitrogen in it. बहुत सारे pulses जो हम use करते हैं they need nitrogen. तो उसके साथ नाइट्रिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज इन द एक्सप्लोजिव. लाइक जो क्रैकर्स हम यूज़ करते हैं दिवाली में या कोई ओकेशन में, दैट क्रैकर्स या पटाखे जो है उनमें नाइट्रिक एसिड होता है. नाइट्रिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन्स एंड सिंथेटिक डाई. नायलॉन एंड सिंथेटिक डाई के प्रोडक्शन में भी नाइट्रिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. Now you all have come across so many importance of acids. Acids क्या है, acid किन किन चीज़ों में होता है और acids का क्या uses है, ये सब आप लोगों को पता चल गया है. Now on the basis of different topics हम acids को कैसे divide कर सकते हैं, एक simple summary आप लोगों को मैं बताती हूँ. Based on sources
बेस्ड ऑन सोर्सेज, यानी कि एसिड्स कहाँ से मिलते हैं हमें, कौन से सोर्स से आता है। बेस्ड ऑन सोर्सेज एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड यानी कि दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरली जो एसिड्स हमें मिलता है दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ये सारा जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स में या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें मिलता है। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड एज द नेम सजेस्टेड इट इज आर्टिफिशियली मेड फ्रॉम मिनरल्स। नेक्स्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ हाउ कैन वी डिवाइड एसिड्स। एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स दोज एसिड विच आर कोरोसिव इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर कोरोसिव, यानी कि दे कैन डैमेज यूर स्किन, कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है उसका। वीक एसिड दोज एसिड विच आर माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव, यानी कि दे यू यूज इन योर डेली लाइफ, दोज एसिड विच यू यूज इन योर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन मोस्ट फ्रूट्स, एसिडिक एसिड जो विनेगर यूज होता है उसमें। नाउ बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाउ कैन वी डिवाइड एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एसिड्स कैन बी ऑक्सी एसिड्स, यानी कि एसिड्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर कंपोजिशन। जैसे हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ऑक्सीजन इन इट, नाइट्रिक एसिड हैज़ ऑक्सीजन इन इट, तो दे कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मीन्स दोज दैट कंटेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद दोज अदर एलिमेंट्स एंड डू नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन इन देयर कंपोजिशन। सो दोज एसिड विच डू नॉट हैव ऑक्सीजन एंड दे हैव हाइड्रोजन कैन बी कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एसिड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डायल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन हैव रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड डिसॉल्व्ड इन इट, it will be called as concentrated, and when an aqueous solution has low percentage of acid dissolved in it, it will be called diluted acid. So now you have studied about acid, everything. Acids kya hai, kaise hota hai, uska kya effect hai, what are the different types of acids. So on the basis of this, let us do one simple activity. Now in this activity you have to take some baking soda. Baking soda तो सबके घर में होता है, lemon juice भी सबके घर में होता है। तो baking soda लेकर if you put a few drop of lemon juice over it, it will release a gas with a hissing sound. That gas is nothing but carbon dioxide. Let us do this activity. Here we have lemon and baking soda. इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, लेमन जूस लेना है, टेक सम लेमन जूस, आपको लेमन जूस मिल गया है, एंड व्हेन यू पुट सम बेकिंग सोडा इन दिस लेमन जूस, उसमें क्या होगा, एक गैस रिलीज होगा। ये आप लोगों ने देखा, ये गैस रिलीज हो रहा है विद अ हिजिंग साउंड और छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। ये बबल्स क्या है, ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिएक्ट होने के बाद, रिएक्शंस होने के बाद रिलीज होके एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आप लोग कभी सुने हैं, एसिड रेन क्या होता, एसिड रेन से क्या हार्म होता है। एसिड रेन इज नथिंग बट
नॉर्मल रेन होता है, जो रेनफॉल होता है उसमें जो एसिड का क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाता है तो वो जब रेन वाटर से मिल जाता है उसके बाद जब रेनफॉल होता है तो वो क्या कहलाता है, एसिड रेन। और इस एसिड रेन से बहुत सारा नुकसान होता है हमें, बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज़ हो जाता है और बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स जैसे कि मार्बल से बना हुआ जितना भी मॉन्यूमेंट्स है वो सारा डैमेज होता है इससे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ताजमहल जो पहले बहुत चमकता था आज वो बहुत डल हो चुका है। ये डल किस वजह से हुआ है, पोल्यूशन की वजह से हुआ। इस पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, एसिड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है, बहुत सारा फैक्ट्रीज में बहुत सारा काम होता है जिससे कि बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होता रहता है। ये हार्मफुल गैसेस कहाँ जाता है, एनवायरनमेंट में रहता है हमारे। हमारे एनवायरनमेंट में रहने के बाद जब ये हमारे पानी एसिड रेन से जब मिल जाता है, जब रेनफॉल होता है तो ये रेन के साथ कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने के बाद वो पानी के साथ मिलके एसिडिक होके नीचे आता है। जहाँ जहाँ वो गिरता है वहाँ वहाँ वो हार्म करता है। जब वो ताजमहल में गिरेगा तो वो ताजमहल में मार्बल के साथ रिएक्ट करेगा, मार्बल के साथ रिएक्ट करके उसको डैमेज करेगा। अगर वो सॉइल में गिरता है तो सॉइल में प्लांट्स को डैमेज करेगा, या फिर वो अगर किसी ह्यूमंस के ऊपर गिरता है तो वो ह्यूमन बीइंग्स में हम में बहुत सारा स्किन डिजीज़ कराता है जिससे कि हम डैमेज हो जाते हैं। हमारा शरीर बहुत डैमेज होता है, हम बीमार पड़ते हैं, हमारा स्किन ख़राब हो जाता है। सो जब ये मार्बल जो है, मार्बल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट इन इट। मार्बल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और एसिड रेन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज यूजुअल केमिकल रिएक्शन में जैसा होता है वैसे रिलीज हो जाता है। सो जो चमकीला मार्बल होता है वो क्या में चेंज हो जाता है, ब्लैक डल मार्बल में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट हो जाता है एसिड रेन के साथ। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव लर्न्ड अबाउट एसिड। एसिड्स के बारे में आप लोग बहुत कुछ आज जाने, इस एसिड्स के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अभी इसी एसिड्स के बाद आता है आप लोगों का सॉल्ट बेसिस, सॉल्ट्स एंड इंडिकेटर्स। ये सॉल्ट्स बेसिस, सॉल्ट्स एंड इंडिकेटर्स हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी मैं। इससे पहले हम कुछ एसिड्स के बारे में रिकैप कर लेते हैं। एसिड्स क्या है, एसिड इज़ फाउंड एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट। एसिड हर चीज़ में होता है, फ्रूट्स में होता है, जो हम यूज़ करते हैं। एसिड्स कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, डायल्यूट। एसिड्स जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है दैट आर हार्मफुल, जो डायल्यूटेड होता है इट इज़ नॉट हार्मफुल। जो फ्रूट्स में पाया जाता है दैट इज़ हेल्पफुल टू अस। कुछ एसिड हमारे शरीर में बनता है जो हमारे फूड डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स विच वी कम अक्रॉस इन आर डेली लाइफ। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वॉट इज एसिड, वॉट इज़ द यूजेज ऑफ एसिड, एंड हाउ मेनी टाइम्स वी कैन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर इन आर डेली लाइफ, जो हम डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट, इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट बेसिस एंड नेचुरल इंडिकेटर्स एंड हाउ सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।